हमारे देश के अंदर जो नेशनल मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, इन लोगों को बताया जाता है कि आपको सुबह कौन सी खबर चलानी है, शाम को कौन सी चलानी है। इनको इसके लिए पहले स्टिक वार्निंग दे दी, क्योंकि अभी वहाँ पे इलेक्शन है और ये कैसे कह देंगे उसको खबर को चलने दे। अरे बीजेपी वाले अपने एक कार्यकर्ता के लिए पूरी रैलियाँ निकाल देते हैं बचाने के लिए, आज अगर इनके नेता बलात्कार में पाए जाते हैं तो तिरंगा यात्रा निकल जाती है। तो आप ऐसे लोगों से उम्मीद कर सकते हो कि ये लोग जो है किसी बहन बेटी को अंदर जाने देंगे। और आप जिसकी बात कर रहे हो अर्नब गोस्वामी की, मैं तो उसे चैनल का पत्रकार नहीं मानता, वो तो हमारे देश की सेना के जवानों की शहादत पे खुशियां मनाने वाला एक जो गंदा आदमी है, नीच आदमी है, उसका तो पूरे भारत से बायकॉट होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ चप्पलों से उसका सर गंदा कर देना चाहिए, चश्मा तोड़ देना चाहिए। एक ऐसा आदमी जो पत्रकारिता के नाम पे कलंक है, देश के जवानों की शहादत पे खुशियां मनाता है, ऐसे लोगों से आप उम्मीद कर सकते हो कि वो इनके लिए कार्यक्रम चलाएंगे। बीजेपी वाले प्रायोजित कार्यक्रम चलवाते हैं, उन्हें क्या चलवाना और क्या नहीं चलवाना। आज स्वतंत्र पत्रकारिता जो है वो सिर्फ जमीन पे है, जैसे आपके हाथ में ये यूट्यूब के चैनल है, आपके हाथ में पत्रकार हो आप लोग ईमानदारी से काम करते हो, आप लोग अपनी जान हथेली पे लेके काम करते हो। आप लोगों को ये नहीं पता होता कि हम सुबह यहाँ से निकलेंगे तो शाम को घर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। आप लोग सही मायने में अपनी जान हथेली पे लेके काम करने वाले देश के सच्चे राष्ट्रीय पत्रकार हो और देश के राष्ट्रवादी पत्रकार हो। अर्नब गोस्वामी को तो TRP मामले में भी खदेड़ दिया सरकारों ने, आपको बताओगा महाराज सरकार ने। तो हम अर्नब गोस्वामी जैसे कितने भी चैनल हो, आज तक हो, जी न्यूज़ हो, इंडिया TV हो, रजत शर्मा हो, अनीश देवगन हो, आज जितने भी अमन चोपड़ा हो, ये सब सरकार की पत्रकारिता में दलाली कर रहे हैं। पेट्रोल 100 के पार जा चुका है, लेकिन जो टेलीविजन मीडिया है वो बड़े धमाके से कह रही है, देखिए कितने देशभक्त हैं हमारे देश के लोग, इतना महंगा पेट्रोल खरीदने पड़ रहा है आराम से। आज उसको देश हित में बताया जा रहा है पेट्रोल बनने को, पेट्रोल बनना कब से देश हित में हो गया। आज देश हित में अगर कुछ है तो वो किसान बिल रद्द होना है, अगर आज देश हित में कुछ है तो वो बेरोजगार लोगों को नौकरी देना है, अगर आज देश हित में कुछ है तो मोदी जी का इस्तीफा है, सामूहिक इस्तीफा अपने MPO के साथ। आज देश हित में पेट्रोल बढ़ना नहीं है, क्योंकि आज अगर एक पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उससे सारे खाद्य पदार्थ महंगे हो जाते हैं, और इनके जो भक्त उन्हें फर्क नहीं पड़ता, जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि आई सपोर्ट मोदी, मैं 200 रुपये लीटर भी पेट्रोल लूंगा, मैं 300 रुपये लीटर भी पेट्रोल लूंगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने बाइकों से पेट्रोल चोरी कर करके अपनी बाइकें चलानी होती है, 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, जहाँ खत्म हो जाए वहीं लोगों को कहते हैं हाथ दे करके भाई पैर लगा देगा। एक बच्चा टैंकी पे बैठा होता है, बीवी 2 किलोमीटर पीछे आ रही होती है और भाई घसीट रहे होते हैं, ये तो इनके भक्त हैं। इनके भक्तों को क्या पता कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से देश कैसे हाहाकार मचता है। आज इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महंगाई के नाम पे इन लोगों को सिखा दिया गया है कि ज़्यादा नहीं बोलना, शाम को 70 रुपये का पौवा मिल जाएगा थैली वाला, उसको लगाओ पियो और सो जाओ। आज ये लोग क्या करते हैं, 70 रुपये का एक थैली वाला पौवा लेते हैं, उसको लगाते हैं और उसके बाद मोदी जी करके घर में सो जाते हैं। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.